बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं गिरिडीह जिले के उदनाबाद गांव में और उदनाबाद से कुछ ही आगे पर मैं स्थित हूं और आपको रोड की स्थिति दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर उठान है, उधर से जितना भी पानी गिरता है, वर्षा अगर होता है तो पानी क्या होता है, नीचे की ओर बहते आता है और नीचे की ओर बहता है तो ये जानते ही होंगे आप लोग, भली भांति जानते होंगे कि पानी के किधर बहती है, नीचे की ओर बहाव होता है। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर पानी का बहाव इधर से होता है और यहाँ से होते हुए देख सकते हैं इस देख सकते हैं अच्छा रोड यहाँ पर था जो कि देख सकते हैं पानी बहा करके इसको ले गया। इसका मुख्य और एक ही कारण है कि पानी का बहाव। जानते हैं सरकार को यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया बनाना चाहिए था, जिसके कारण से ये पुलिया नहीं बना है, जिस कारण से देख सकते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया। मैं कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा सा गड्ढा को दिखा दीजिए कि कितना गड्ढा हो गया यहाँ पर। अगर ये पुलिया होता तो पानी आसानी से बह जाता। हमारे राज्य के इंजीनियर को ये भी नहीं पता है कि कहाँ पर पुलिया देना चाहिए, कहाँ पर नहीं देना चाहिए। जिधर मन उधर देते हैं और जैसे मन वैसे बनाकर निकल जाते हैं रोड, और हम लोगों को भुगतना पड़ता है, इसका परिणाम हम लोगों को देखना पड़ता है। देख सकते हैं सड़क की स्थिति क्या है। एक भैया आए हुए, इनसे बात करते हैं। भैया देख सकते हैं ये रोडवा कितना गंदा हो गया है। केवल और केवल इस कारण से हुआ है कि उधर का पानी जो है बहाव के लिए इधर बहना चाहता है। ठेकेदार हैं वो बनाए रोड, उस समय यहाँ पर पुलिया नहीं दिए, जिसके कारण से क्या हुआ कि पानी आसानी से इधर धसाते हुए रोड को निकल गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा, यहाँ पुलिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या इससे घटना हो सकता है या नहीं? इतना बड़ा गड्ढा दिखाइएगा। रुकिएगा भैया, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं, भैया लोग से भी बातचीत करते हैं। भैया एक मिनट रुकिएगा। देख सकते हैं वहाँ उधर से पानी जब आता है तो इधर होते हुए गुजर जाता है, जिसके कारण ये रोड गड्ढा हो गया यहाँ पर, देख सकते हैं। बिल्कुल हुआ या नहीं हुआ? लेकिन हमारे झारखंड के जो इंजीनियर होते हैं उनको ये पता क्यों नहीं चला अभी तक कि यहाँ पर हमको पुलिया अगर नहीं देंगे तो ये धसा के निकल जाएगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो जरूर हो रहा है। भ्रष्टाचार तो हो रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ पर खुदाई हुआ था पुलिया देने के लिए, हाँ, लेकिन फिर बंद कर दिया गया और आगे ले जा करके वहाँ खुदाई किया, जो वहाँ अभी पानी ज्यादा, वहाँ पानी नहीं निकलता है, यहाँ ज्यादा पानी निकलता है। आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ इकट्ठा हुआ दिखा है। दिखा दीजिएगा पानी कितना इकट्ठा हुआ है, जो कि इसी के चलते खुदाई किया हुआ था, लेकिन अच्छा। उसको बंद करके फिर ले जाकर के वहाँ खुदाई किया, तो इसके कारण यहाँ तो गड्ढा हो रहा है। अगर सपोज डेट रोड बढ़िया से भी बना दिया जाए तो क्या ये रोड टिक पाएगा इसके कारण? नहीं। जब समझ सकते हैं, आपको जब समझदारी आप समझ जाते हैं तो हमारे देश के, हमारे राज्य के इंजीनियर को क्यों नहीं समझ में आता है, हमारे विधायक जी इस पर क्यों नहीं कदम उठाते हैं? कदम तो उठाना चाहिए, हमारे विधायक जी उसको उठाना चाहिए। किसका दोष है इस पर? इसमें मेरा विधायक का भी ढिलाई है। ढिलाई इस पर तो कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, तभी तो वो बनाएगा। हाँ, तो हमारा देश का विकास कैसे हो सकता है अगर हम लोग नहीं चाहे? हम लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा सबके सहयोग से, केवल और केवल हम लोग विधायक जी को दोष देने से नहीं होगा, क्योंकि विधायक जी तो बिल तो पारित कर दिए, इंजीनियर अपना काम करके चला गया, ठेकेदार है वो अपना काम करके चला गया, तो आखिर ये रोड अच्छा है या नहीं है थोड़ा तो हम लोगों को भी इस पर काम करना होगा कि नहीं करना? जी सर, हम लोग को भी देखना पड़ेगा। और ये तो यहाँ से वहाँ तक अभी बनने वाला था, लेकिन बीच में बारिश के कारण बंद कर दिया गया है। अच्छा। अब पता नहीं कि कब तक काम चालू होगा कि इसी तरह पेंडिंग है। अच्छा, इस तरह का रास्ता है तो एक्सीडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? जी सर, हो जाएगा। तो एक्सीडेंट होगा तो आखिर हम लोग जानते हैं कि एक गाड़ी में हम लोग कितना टैक्स देते हैं या नहीं देते? जी सर, जी सर। लेकिन हर जगह का, यहीं का नहीं, हर जगह आप देखिएगा रोड की स्थिति बहुत ज्यादा गंदा है। जी सर, है या नहीं? जी सर। तो इस पर क्या कहना चाहिएगा सरकार को कि रोड कैसा होना चाहिए? फिलहाल करके देख रहे हैं हम लोग भी गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक सब जगह अच्छा रोड मिल रहा है, लेकिन हम लोग का झारखंड में सबसे ज्यादा कचरा रोड मिल रहा है हम लोग का झारखंड में। क्या बोलना चाहिएगा भैया, ये गड्ढा को दिखा दीजिए, थोड़ा गड्ढा को दिखा दीजिए, क्या बोलना चाहिएगा इस गड्ढा को लेकर? भैया गड्ढा को लेकर यही हम बोलेंगे, इसको जितना जल्दी हो सके अच्छा करवा दीजिए। तो इसमें एक्सीडेंट वगैरह भी तो हो सकता है भैया? होने को बहुत कुछ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। आखिर क्यों नहीं समझ में आता है जो ठेकेदार ठीका लिया है आराम से, हमको लगता है 7-8 महीना से काम ये कार्यरत पर है। हाँ, सो तो है।
तो इस पर क्यों नहीं विचार कर रहा है वो? अगर एक्सीडेंट हो जाए तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? हाँ, आखिर आम जनता के अगर किसी भी प्रकार से कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो उसी के ऊपर होगी। किनके? सरकार के ऊपर। चलिए, और भी लोग आ रहे हैं, बातचीत करते हैं और पूरी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। भैया एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आपसे भी जानकारी चाहिए। ये जो गड्ढा हुआ दिख रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिएगा? ये किस कारण से हो रहा है पता है आपको? ये गड्ढा किस कारण हुआ है? पानी के कारण हुआ है। पानी के कारण हुआ है। आपको कैसे पता चल गया? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं भैया, एक जरा बता दीजिए तो हमको। हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारे राज्य के इंजीनियर को कैसे नहीं पता चला कि यहाँ पानी जब ऊपर से आएगा तो बहने के लिए यहाँ से कहीं, देख लीजिए, कहीं पुलिया नहीं दिया गया? दिया गया है? नहीं दिया है। नहीं दिया गया तो देना चाहिए था। हाँ। लेकिन हमारे इंजीनियर को कैसे नहीं पता चला कि यहाँ पर हम लोगों को पुलिया देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस पर नहीं बोल पाइएगा? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्या बोलना चाहिएगा सरकार को इसको लेकर? एक्सीडेंट हो जाएगा तो कैसा, किस तरह दिक्कत होगा तो समझ सकते हैं, आम जनता को कितना परेशानी होता है। दो चार रुपया जमा करके किसी प्रकार जीवन यापन करते हैं। क्या बोलना चाहिएगा इस रोड को लेकर? भैया एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, ये रोडवा को लेकर आप क्या बोलना चाहिएगा? यहाँ पर इतना देख सकते हैं, इतना जब इधर से जाते हैं हम लोग तो अचानक मिलता है और इतना बड़ा गड्ढा, हो सकता है कि नहीं एक्सीडेंट हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, ये गड्ढा हुआ किस कारण से हो सकता है आपको पता है? गड़ावा किस कारण हुआ है? ये गड्ढा हुआ, गड़ावा सही से नहीं, माटी उटी में डाला, पनिया की वजह से हुआ। पनिया को यहाँ पुलवा होना चाहिए कि नहीं? छोटा सा पुल होता था, इस तरह से पुलिया होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमारे राज्य के जो इंजीनियर हैं उनको काहे नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर पुलिया होना चाहिए? वो अब कैसे बताएंगे हम? झारखंड सरकार से आप क्या अपील करना चाहिएगा? यहाँ बना देगा रोड, बढ़िया रहेगा आदमी को, यहाँ से वहाँ से रोड पूरा खराब है हर जगह रोड। आपका गांव का रोड अच्छा है भैया? इस तरह से तो नहीं है, इससे बढ़िया है। इससे बढ़िया है मतलब समझ सकते हैं मुख्य मार्ग है ये, और इतना गंदा, इतना गंदा रोड है, और आपका गाँव का इतना अच्छा रोड है ना? गाँव में गलत। बिल्कुल। चलिए, देख सकते हैं हमारे राज्य के विभिन्न लोग हमारे साथ जुड़े और बातचीत किए, इनसे कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको पूरी ये जो गड्ढा है दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो ये गड्ढा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से हुआ है, यहाँ छोटा सा पुलिया होना चाहिए था जो कि पानी का बहाव हो सके आसानी से और रोड नहीं धंसे। जानते हैं ये रोड अगर बन भी गया ना तो आने वाला दो चार महीना में धंस जाएगा, पानी पड़ेगा, जोर से पानी पड़ेगा तो धंस जाएगा। तो फाइनली है कि ये रोड को अगर बढ़िया करना है तो पुलिया होना अनिवार्य है यहाँ पे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।